25 जुलाई से 11वीं और 12वीं के स्कूल 50% क्षमता से शुरू होंगे। सीएम शिवराज। आईसीसी ने अगली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की डिटेल जारी की। लखनऊ से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी मिन्हाज को असलाह देने वाला शकील हिरासत में लिया गया। हिरन शिकार मामले में एक्टर सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई टली। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, मोदी के सामने विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं। पाकिस्तान में चीनी इंजीनियरों और पाक सैनिकों को ले जा रही बस में आईईडी ब्लास्ट, 8 की मौत, दर्जनों घायल। सिद्धू के सवाल पर बोले केजरीवाल, खुशी होती है जब विपक्षी नेता भी करे हमारे काम की तारीफ। बंगाल कांग्रेस के महासचिव ने दिया इस्तीफा, कहा निकट भविष्य में पार्टी के फिर खड़े होने के संकेत नहीं। संसद के मानसून सत्र से पहले 18 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। केरल में यूथ कांग्रेस ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ 100 किलोमीटर लंबा साइकिल मार्च शुरू किया। केजरीवाल बोले, दिल्ली में फ्री बिजली तो गोवा में क्यों नहीं। बीजेपी कांग्रेस ने वहां की जनता से धोखा किया है। केजरीवाल बोले, गोवा में इस बार बदलाव होगा, दिल्ली में फ्री बिजली तो वहां क्यों नहीं। केजरीवाल बोले, गोवा में बीजेपी ने विश्वासघात किया, लोग कांग्रेस बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। भारत में कोरोना के 48,792 नए केस, पिछले 24 घंटे में 624 लोगों की मौत।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए, 2 मरीजों की मौत। जिस वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे मोदी, उसका हुआ कायाकल्प। 16 जुलाई को उद्घाटन करेंगे पीएम। यूपी में शिक्षकों से नहीं कराए जाएंगे और शैक्षणिक कार्य। इलाहाबाद एचसी ने सभी डीएम को जारी किया निर्देश। यूपी पंचायत चुनाव में हार पर सपा की जिला कमेटियों ने सौंपी रिपोर्ट, जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। कोरोना के बीते 24 घंटे में 19 लाख से अधिक लोगों का किया गया कोविड टेस्ट। पुलवामा एनकाउंटर में पाकिस्तान का रहने वाला लश्कर, आतंकी अयाज समेत 2 स्थानीय आतंकी ढेर।